कम ही खरीद रहे हैं इस टाइम तो महंगाई की वजह से, मंदी के चक्कर में कम लेके जा रहे हैं। 2 किलो वाला 1 किलो ले जा रहा है, 1 किलो वाला आधी किलो ले जा रहा है। इस टाइम हरी सब्जी का रेट सबसे कम 8 रुपये किलो होता था, ये 30-40 रुपये किलो जा रही है। राशन में वो मिलता है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, बस मिल जाते तो कच्चा खा लेते हैं। अरे नहीं, उसमें भी क्या नाम है, 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो में एक बंदे पे क्या हो रहा है, 5 किलो में बताओ महीने में। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए कि सबको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं, 9.5 साल लगभग बीत चुके, पूरे 10 साल सरकार को हो जाएंगे, लेकिन महंगाई जो है ना देश में वो चरम सीमा पर नज़र आ रही है। और इस वक्त हम मंडी में मौजूद है, सब्जी मंडी में, जहाँ पर देखा जाए कि सब्जियों के रेट लगातार मौसम बदलने के साथ साथ बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और नहीं भी बढ़े तो भी नुकसान होता है। तो सीधा यहाँ पर जो काम करते हैं लोग, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी रेडिया है, उनसे सीधा बातचीत करेंगे कि क्या लगता है उन्हें कि महंगाई बढ़ रही है या अभी उतनी है, और नुकसान और फायदे पर बात करेंगे। तो यहाँ पर भैया जी हैं, सबसे पहले तो ये बता दो कि महंगाई अभी है या नहीं है। महंगाई तो है, लेकिन आलू पालू पे कोई महंगाई नहीं है, वो लहसुन पे, मैं लहसुन और अदरक भिंडी ये महंगी है जी। ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि प्याज, टमाटर और आलू के रेट लगातार बढ़ गए हैं, और इससे आप लोग और जनता परेशान हो सकती है। आलू तो है 50 रुपए दड़ी, प्याज का रेट है 120 रुपए दड़ी, टमाटर 200 रुपए दड़ी, 40 रुपए, मतलब फिर से टमाटर के रेट लगातार बढ़ गए। हाँ। फिर महंगा हो गए टमाटर, अन्य 50 रुपए दड़ी, 60 रुपए दड़ी टमाटर था। तो ये तो आप बेच रहे हैं, जब खरीदी करते हैं तो तब कितना ज्यादा जेब पर फर्क पड़ता है? 30 रुपए किलो का 40 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ, 35 रुपए किलो खरीदा हुआ है, 30-40 रुपए बिक रहा है। और अगर लोगों की, जनता की बात की जाए तो किस तरीके से बाजारी चल रही है अभी इस वक्त? बाजारी मतलब? मतलब कि दुकानदारी किस तरीके से चल रही है अभी? दुकानदारी तो चल रही है 40 रुपए किलो की इस टाइम टमाटर की। नहीं नहीं, जनता आती है तो खरीदारी के समय पर लोग कहते हैं ना कि महंगा हो गया सामान, उस हिसाब से लोग खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, वो मैं पूछ रही हूँ। कम ही खरीद रहे हैं इस टाइम तो महंगाई की वजह से, मंदी के चक्कर में कम लेके जा रहे हैं। 2 किलो वाला 1 किलो ले जा रहा है, 1 किलो वाला आधी किलो ले जा रहा है, कम महंगाई के चक्कर में कम खरीद रहे हैं। ऐसा कहा गया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अभी भी महंगाई लग रही है, नहीं लग रही है, क्या लगता है आने वाले समय में कम होगी या नहीं? महंगाई होगी, कम नहीं होने की, बढ़ेगी महंगाई, बढ़ जाएगी जी। हाँ, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास, मुश्किल हो जाएगा खाना तो मालदार आदमियों के, गरीब आदमी कहाँ खा रहे बेचारे, गरीब आदमी बड़ा परेशान होगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या यहाँ पे दुकान है आपकी? नहीं, हमारी दुकान तो नहीं है, लेकिन मैं मंडी डेली आता हूँ। डेली आते हैं, क्यों? अरे ऐसे घूमने आते हैं, बाजार का भाव देखने। जब तो भाव से पता चल रहा है कि महंगाई? हाँ, महंगाई तो अधिक है इसमें, केवल आलू के अलावा बाकी हर चीज महंगा है। अच्छा, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही क्या महंगाई? अब सरकार कहाँ ध्यान देगी, तो उम्मीद है कि सस्ता सामान होगा? नहीं नहीं नहीं, सस्ता तो उम्मीद नहीं, बढ़ने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। तो कितना जेब पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं, फिर तो महंगाई बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, हम लोगों के यहाँ किराया देना, बाहर के रहने वाले हैं, किराया देना भी महंगा पड़ रहा है, 300 रुपए के नीचे नहीं है किराया है। अब बताइए, यहाँ 250-300 रुपए, 400 रुपए कहीं मिल पाते हैं, और खर्चा बहुत है, तो परेशानी बहुत, परेशानी बहुत ज्यादा है कि। चलिए आपसे भी पूछेंगे, बताइए, परेशान कह रहे महंगाई बहुत ज्यादा है, दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, है अभी सभी चीज पे महंगाई है, ये आलू बैंगन ये सब चीज 40 रुपए के लिए बिक रहे, 40 रुपए के लिए बिकने लायक नहीं है ये हरी सब्जियों पर, इतनी महंगाई है कि पब्लिक खाने से परेशान है इस टाइम। अभी तो मौसम हरी सब्जियों का ही चल रहा है, उसी का मौसम है, और उसी में इतनी महंगाई, ये आदमी को मार रही है। तो लग रहा है कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम लगातार देखा जा रहा है कि बढ़ सकता है, तो क्या लगता है महंगाई कम होगी या नहीं? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा, जैसे देख कर वैसा महंगाई लग रही है, और ज़्यादा बढ़ेगी। और दिल्ली मौसम की बात की जाए तो कभी सर्दी कभी गर्मी, इस तरीके का मौसम हो रहा है, कितनी दिक्कत? इससे सब्जी से मामला थोड़ी है, तो महंगाई किसानों की तरफ से भी है कुछ, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगी रही है। इस टाइम हरी सब्जी का रेट सबसे कम 8 रुपए किलो होता था, ये 30-40 रुपए किलो जा रही है। तो मतलब कि किसानों की साइड से आता है तो महंगा सामान आता है, जब महंगा आ रहा है किसानों की तरफ से, बहुत महंगा इस टाइम। आप क्या करती हैं आंटी जी? हाँ,
यहाँ से सामान खरीद कर लेकर जाते हैं? यहाँ से लेके जाते हैं जी, और सेक्टर एक की मंडी में गाजियाबाद की इधर ही बैठते हैं वैशाली में हम, तो जी जहाँ जितना इधर से ले जाते वही भाव उधर ले लेते हैं, अगर नहीं देते हैं तो हमें कोई 2 रुपया नहीं मिलता उसमें, बचत नहीं हो रही। हाँ, और लॉकडाउन से हम ठेली लगा रहे हैं साहब, हमने ऑपरेशन कराया था बच्चा दानी के, जब से बोझा का काम हो नहीं हो रहा तो सब्जी की दुकान बुढ़ा बुढ़िया ने लगा लिया। इस सरकार में तुम्हें कुछ लाभ हुआ ना बताओ? बता दीजिए। इस सरकार में तो हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मोदी सरकार में लाभ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे, मोदी जी तो मसीहा है आप। अरे ऐसा क्या होगा, नहीं क्या लाभ? लाभ हुआ है जी कि अपना धंधा कर रहे हैं, शांति से खाते हैं और मदद भी कर रहे हैं, ऐसी बात। राशन मिल रहा है सरकार की तरफ? हाँ जी, सरकार से राशन मिल रहा जी, राशन कार्ड है मेरा। राशन में क्या क्या मिलता है? राशन में वो मिलता है चावल मिलता है गेहूँ मिलता है, बस मिल जाता तो कच्चा खा लेते क्या? अरे नहीं, उसमें भी क्या नाम है 5 किलो मिल रहा है, 5 किलो में एक बंदे पे क्या हो रहा है, 5 किलो में बताओ महीने में। अभी अभी ऐसा कहा जा रहा है ना कि आप लोगों का खास करके गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी को देखा जा रहा है। मोदी जी ये चलो ठीक है अपनी बात मोदी जी पर, जो है मोदी जी कुछ उनके वे ऐसे हैं बहुत ज़्यादा बुरे वे हैं। 5 किलो राशन में बताओ क्या पाल पाएंगे, 5 किलो राशन चलो उसमें भी 1 किलो वे कम दे देते हैं कार्ड के, 5 किलो में 5 मिल रहा है एक बंदे को, वहाँ सारा 5 किलो वहाँ ये दे रहे हैं 4 किलो जहाँ से वो राशन मिल रहा, 5 किलो में बच्चे पढ़ लें, चलो नाश दे दिया उन्होंने, आज के टाइम में किसी का काम नहीं लग रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है? महंगाई तो बढ़ रही है बताओ, हर चीज़ की महंगाई है। चलिए तमाम लोगों ने अपनी राय दी है यहाँ पर, आंटी क्या कहेंगे, महंगाई है या नहीं? हाँ महंगाई तो है ये बेटा। मोदी जी ने कोई काम किया है या नहीं? कुछ भी ना, महंगाई बढ़ा रहे हो बेटा मोदी तो, ना गरीब आदमी को पेंशन मिल रही ना कुछ मिल रहा, अभी तक कैसे हाल है मेरे को पेंशन ना मिले कमा रहे। मतलब मोदी जी के राज में गरीब परेशान है? हाँ, बहुत परेशानी बेटा बहुत ज्यादा। अब देखो काम करेंगे 10-5 को करेंगे भैया, मदद ना कर रहे हो कोई हमारे नहीं तो। चलिए आपने सुना यहाँ पर कि जनता किस तरीके से लगातार परेशान, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर कि क्या लगता है कि सब्जी कितनी ज्यादा जरूरी होती है यहाँ पर, भले ही राशन सरकार की तरफ से मिल जाए। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।